कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले द्वारा देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो वक्तव्य किया गया उसका विरोध करते हुए कल सभी पुलिस थानों में भाजपा द्वारा FIR दाखिल करने की एप्लीकेशन दी गई। आज उसी तर्ज पर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को भी भाजपा द्वारा ज्ञापन सौंप कर नाना पटोले के खिलाफ शिकायत दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वक्तव्य किया गया था, मैं मोदी को मार सकता हूँ, गाली भी दे सकता हूँ। इस वक्तव्य के खिलाफ भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था, साथ ही साथ भाजपा विधायक पदाधिकारियों द्वारा FIR दर्ज करने की एप्लीकेशन दी गई। उसी श्रृंखला में आज भाजपा पदाधिकारियों द्वारा पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को ज्ञापन सौंप कर शिकायत दर्ज कर पटोले की गिरफ्तारी की मांग की है। परसों जो घटना घड़ी है, देश के लाडले पंतप्रधान, इस देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय नाना पटोले जी ने जो स्टेटमेंट किया, गलत स्टेटमेंट, निंदनीय स्टेटमेंट, उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए हम कल हमारे माननीय आमदार माननीय कृष्णा जी खोपड़े होंगे, हमारे नेता भवन को साहब होंगे, हमारे सारे आमदार विकास भाऊ, अनिल जी, माननीय गिरीश जी, इनके सारों के नेतृत्व में सारे पुलिस स्टेशन में हमने एप्लीकेशन दी है। कल कुछ हुआ नहीं इसलिए हम माननीय आयुक्त जी से मिलने आए हैं। हमने उनको बताया है कि माननीय नारायण राणे जी पर यदि गुना दाखिल हो सकता है ऐसे किसी एक प्रकरण में, तो नाना पटेले पे क्यों नहीं हो सकता। तो महाराष्ट्र में रहने वाले दो नागरिकों पर दो अलग अलग न्याय, इसके कारण महाविकास आघाड़ी की सत्ता, इसलिए नाना पटेले जी की चौकशी, और माननीय नारायण राणे पर डायरेक्ट गुना, ये अलग अलग न्याय नहीं चलेगा। यदि पुलिस का बर्ताव समान नहीं रहा तो इसके खिलाफ प्रदर्शन करने पड़ेंगे तो हम करेंगे, आंदोलन करना पड़ेगा तो करेंगे, उपोषण के लिए पुलिस स्टेशन के सामने बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे, और न्यायिक व्यवस्था के, न्यायिक हमारा जो अधिकार है उसका भी वापर करने के लिए हम तैयार है। माननीय आयुक्त जी ने बताया कि उन्होंने भंडारा SP से बात की है, हमारी सारी एप्लीकेशन उन्होंने भंडारा SP को भेजी है, एक दो दिनों में इस पर उचित निर्णय होगा, गुना दाखिल होगा ऐसा उनका कहना है। वो महाराष्ट्र के DG से भी मिलने वाले हैं, उनसे बात करने वाले हैं, तो आज हमने उनको निवेदन दिया है, हम रहा देखेंगे, नहीं तो उचित सारे पर्यायों पर हम कोशिश करके इसके खिलाफ कड़ा आंदोलन करेंगे। नाना पटोले के वक्तव्य के बाद भाजपा आक्रमक हुई है, अब देखना यह होगा कि नाना पटोले के खिलाफ कार्रवाई की जाती है या नहीं। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।